Next question, JEE Maths 2017. A given A vector is given by 2i cap plus j cap minus 2k cap, and vector B is given by I cap plus j cap. Okay, let C be A vector such that C is the vector such that C vector minus A vector ka magnitude equals to 3, and A cross B cross C vector equals to 3. Okay, and the angle between C and A cross B is the 30, then A dot C is apne batana A dot C kya hoga. Okay, बस ए डॉट सी स्कोरिंग कर देंगे, तो स्कोरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा सी माइनस ए इक्वल्स टू 9, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस टू टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए ए डॉट सी टू टाइम्स ऑफ ए डॉट सी इक्वल्स टू 9. ओके, ए का मैग्नीट्यूड की अगर बात करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स टू 4 प्लस 5, 5 प्लस 4 9, यानी कि 3. ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इक्वल्स टू रूट टू. ओके, ये हो जाएगा 3. तो सी एंड मैग्नीट्यूड इज द सी इज सी. ओके, तो सी स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर प्लस ये 9 एंड 9 कैंसिल आउट माइनस 2 एंड ए डॉट सी इक्वल्स टू 0. ओके, एंड गिवन कि एंगल बिटवीन सी एंड ए क्रॉस बी इज द 30. ओके, एंगल बिटवीन सी एंड ए क्रॉस बी इज द 30. ओके, ये सब नोट कर दिया. एंगल गिवन है, एक इस रिलेशन को हम यूज में लेंगे. एंगल बिटवीन ए एंड सी इज 30, सो दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा ए इज गिवन है ए क्रॉस बी क्रॉस सी वेक्टर इक्वल्स टू 3. इट्स गिवन लिखा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड एंड सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू 3. ओके, ए क्रॉस बी अगर ए क्रॉस बी की बात करते तो ये हो जाएगा ए क्रॉस बी इज द 3 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर, एंड इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2 इक्वल्स टू 3. तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर इक्वल्स टू 2. ओके, सो ए डॉट सी इक्वल्स टू 2. ओके, यहाँ से ए डॉट सी हमने सी की वैल्यू कही 4, तो यहाँ जैसे 4 पुट करेंगे तो मैग्नीट्यूड 2 एंड 4 माइनस 2 इंटू ए डॉट सी इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से कितना आएगा ए डॉट सी इक्वल्स टू 2, वही हमने यहाँ लिखा है. तो ए डॉट सी इक्वल्स टू 2, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट 25/8 इज द रॉन्ग, 2 इज द करेक्ट, सो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द करेक्ट.